आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। देश की सेवा में दमों के बहुत से जवान अपने देशवासियों की रक्षा के लिए सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक दमों के फुटेरा वार्ड 5 के मलयाना निवासी बीएसएफ के जवान आकिल खान, जो स्वर्गीय अख्तर नकीज के बेटे आलिम इंजीनियर के भतीजे हैं। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, जिनकी वर्तमान पोस्टिंग पंजाब के पठानकोट में चल रही थी, जो अमरनाथ यात्रा में अपनी सेवा कार्य में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान बीएसएफ जवान आकिल की आकस्मिक मौत हो गई। खबर मिली जैसे ही दमों उनके घर पहुंचे, सारे घर में मातम छा गया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर से आकिल खान की मिट्टी वापस दमों सुबह फुटेरा वार्ड 5 में पहुंचेगी, जहां उनके दमों के कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस दौरान शहर के लाल के आकस्मिक निधन पर जिले पर शोक की लहर है। वही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने भी गहन शोक व्यक्त किया है। आकिब अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए, जिनकी उनकी पत्नी, 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस संबंध में जब हमने आकिल के परिजनों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दमोह से उपेंद्र राजा ठाकुर की रिपोर्ट। पंजाब में पठानकोट में पोस्टेड था और अभी अमरनाथ यात्रा में उसकी ड्यूटी थी जम्मू में, तो अनंतनाग में जो है उसकी हादसे में मृत्यु हो गई है। और इसकी खबर जो है हम लोगों को यहाँ 11:08 पे प्राप्त हुई हेडक्वार्टर से, यानी जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है वहाँ से प्राप्त हुई है। अच्छा, और इसके बाद जो है उनसे बार बार संपर्क किया गया, तो उसकी कार्रवाई, उनकी लिखा पढ़ी वहाँ चल रही है। और पहले तो बोल रहे थे कि रात में आ जाएगी डेड बॉडी, लेकिन जो है अब बोल रहे हैं कि वो डेड बॉडी कल जो है चलेगी करीब 11:00। अभी कोई फ्लाइट नहीं है और भोपाल भेजेंगे, भोपाल से दम हो जाएगी बॉडी। और इसके जो है एक बच्ची है 5 साल की और एक बच्चा अभी 2.25 साल का है। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनकी जो कुछ भी मदद प्रशासनिक तौर पे हो सकती हो वो की